मेरे किसान भाइयों बहनों, जब केंद्र में किसान का हित सोचने वाली, किसान की चिंता करने वाली सरकार होती है, तभी इस तरह की योजनाएं मुमकिन होती है, जमीन पर उतरती है, नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाते हैं। आप पहले की सरकारों की, अब ये जरा समझने जैसा विषय है भाइयों, और आप गांव-गांव बताएंगे जो बात मैं समझा रहा हूं, गांव-गांव बताओगे, हर किसान को बताओगे, सच्चाई उनको समझाओगे, झूठ फैलाने वालों को करारा जवाब दोगे, पक्का दोगे। मैं आपको समझाता हूं, ये कांग्रेस वाले चुनाव के पहले, ये सारे महामिलावटी लोग ऐसे ही है, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके सारे चेले चपाटे हो। वो क्या करते हैं, 10 साल में एक बार उनको किसान याद आता है, 10 साल में एक बार, और वो भी चुनाव के पहले याद आता है, और फिर कर्ज माफी का बुखार उनको चढ़ने लग जाता है, कर्ज माफी का बुखार चढ़ने लग जाता है, और कर्ज माफी का बुखार चढ़ के रेवड़ी बांट करके किसान की आंख में धूल झोंक करके वोट बटोर लेना, ये चालाकी वो सीख गए थे। लेकिन उनको पता नहीं था, अब उनको मोदी मिला है, महंगा पड़ जाएगा, उनकी पोल खोल के रख देगा, उनके झूठ के नकाब को खोल के रख देगा। और सच्ची किसान की सेवा क्या होती है, ये मोदी करके दिखाएगा। और इसलिए पार्लियामेंट में देखा होगा, उनके चेहरे लटके हुए थे, और हमने सिर्फ चुनावी वादा करने के लिए घोषणा नहीं की, हम पार्लियामेंट के फोर पर बोले हैं, और बजट में पैसों का प्रावधान करके बोले हैं, ये हमारी ईमानदारी है। आप याद करिए, साल 2008 में 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज किसानों पर था, जरा मेरे साथ बोलिए, मैं बताता हूं, 2008 में सरकारी दफ्तर के हिसाब से, बैंकों के दफ्तर के हिसाब से किसानों का, पूरे देश का कर्ज था 6 लाख करोड़ रुपया। कितना कितना कितना? 6 लाख करोड़ रुपया। अब उन्होंने कर्ज माफी चुनाव के पहले घोषणा की, तो ये 6 लाख करोड़ माफ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आप जरा जोर से बोलिए, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये 6 लाख करोड़ किसानों का माफ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? 2009 में चुनाव हुआ, फिर से वो कुर्सी पे चिपक गए, फिर रिमोट कंट्रोल चालू हो गया, और क्या हुआ मालूम है आपको? क्या हुआ मालूम है? देश को किसी को मालूम नहीं है, सब अंधेरे में, और इनके चेले चपाटे भी चुप। 6 लाख करोड़ का कर्ज था, माफ कितना किया? सिर्फ सिर्फ सिर्फ, आंकड़ा याद रखिए, 6 लाख करोड़ के सामने मात्र 52,000 करोड़ रुपया माफ किया। कितना माफ किया? कितना माफ किया? कितना माफ किया? कितना करने की जरूरत थी? कितना करने की जरूरत थी? आप मुझे बताइए, ऐसा झूठी बातें करने वालों पर देश का किसान भरोसा करेगा क्या? ऐसा झूठ करने वालों को सजा करेगा कि नहीं करेगा? और भाइयों बहनों,
ये 52,000 करोड़ रुपया भी 10 साल में एक बार, और वो भी चुनाव के पहले, बड़ी बड़ी बातें। अब ये उन्होंने जो लिस्ट बनाई वो भी किसकी, जो उनके सिपा सालार थे उनकी, सब किसानों की नहीं। 12-13 करोड़ किसान, उसमें से सिर्फ 2 या 3 करोड़ किसानों को ही सिर्फ ये 52,000 करोड़ रुपया बांट दिए गए। उसमें भी 35 लाख तो ऐसे निकले जिनका कोई किसानी से लेना देना ही नहीं था। बताइए भाई, इतना बड़ा गफला क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? भाइयों बहनों, 10 साल में 52,000, हम जो योजना लाए हैं वो हर साल एक समय के लिए नहीं है, हर साल साल में 3 बार, और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा होगा। उन्होंने 10 साल में एक बार 52,000 करोड़ दिया था, हम 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया देंगे। कितना? 7.5 लाख करोड़। कितना? 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 7.5 लाख करोड़। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, न कोई जाति के आधार पर, न कोई धर्म के आधार पर। हर किसी को 5 एकड़ और उससे कम जमीन है, उन सबके खाते में सीधा पैसा जाएगा। भाइयों बहनों, इनकी योजना ये 10 साल में एक बार वोट बटोरने की, किसान के आंख में धूल झोंकने की जो योजना थी, उसमें गांव में अगर 100 किसान है तो कहीं पर 20 को लाभ मिला, किसी को 22 को मिला, कहीं को 25 को मिला। हमारी योजना ऐसी है, हर वर्ष मिलेगी, देश के 12 करोड़ किसानों को मिलेगी, और गांव में अगर 100 का हिसाब लगा ले तो 100 में से 90 किसानों को मिलेगी। भाइयों बहनों, 90 किसान, सोचिए, किसानों को सीधे पैसा देकर देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा निवेश मोदी सरकार कर रही है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। साथियों, हमारे लिए यह भी बहुत आसान था कर्ज माफी का फैसला, कोई मुश्किल काम नहीं था। हम भी रेवड़ी बांट देते, हम भी चुनाव में अपना खेल खेल लेते, लेकिन मोदी ऐसा पाप कभी करता नहीं है, मोदी ऐसा पाप के लिए कभी सोचता नहीं। आप सोचिए, हमारी सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ही करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इतनी बड़ी राशि हम लगा रहे हैं ताकि देश में जो सिंचाई परियोजनाएं 30-30, 40-40 साल से अधूरी थी, लटकी हुई थी, उन्हें पूरा किया जा सके। हमने देश भर की 99 ऐसी परियोजनाएं चुनी थी जिसमें से
70 से ज्यादा अब पूरी होने की स्थिति में आ चुकी है। इन परियोजनाओं की वजह से किसानों को लाखों हेक्टर जमीन पर सिंचाई की सुविधा मिल रही है और ये वो काम है जो किसानों की आने वाली कई पीढ़ियों तक को लाभ देने वाला है। साथियों, इन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था, कोई दबाव नहीं था। सिंचाई परियोजनाओं को पूरा न करके कर्ज माफी करना बहुत आसान रास्ता था, लेकिन सच्चाई ये है कि कर्ज माफी से सिर्फ ऊपरी स्तर के कुछ किसानों का फायदा होता, कांग्रेस के चेले चपाटों का लाभ होता, मेरे गरीब किसान का लाभ नहीं होता। वो भी ऐसे किसान जिन्होंने किसी न किसी बैंक से लोन लिया, उनको लाभ मिलने लगा। आखिर उन करोड़ों किसान के बारे में कौन सोचता जो बैंक के बजाय किसी दूसरे से कर्ज लेते हैं? और हमारे देश में इनकी संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है।